मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो जल्दी जल्दी क्या करिए, देखिए केमिस्ट्री पढ़ना है आप लोग को पॉलिटेक्निक का, और आपको टाइम टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिटेक चैनल को क्या करना है, यूनिटेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका तो भला होगा और आपके फ्रेंड्स जो है ना वो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स को जो पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। यहाँ पे देखो ये क्या है, IUPAC का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसमें हम क्या करते हैं, IUPAC में हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। इनऑर्गेनिक में भी होता है IUPAC, पता है कि नहीं, वहाँ पर भी होता है। वहाँ हम किस में करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वहाँ पर हम IUPAC नाम लिखते हैं। और ऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिक के लिए तो फेमस ही है कि IUPAC। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसका हमको क्या बताना है, IUPAC में इसका नाम क्या होगा। इतना बड़ा बड़ा नाम होता है तो उसको नाम को मतलब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड को पहचानने के लिए सारे कंपाउंड्स का क्या होता है, नाम रखा जाता है। और उसके लिए क्या हो, एक मतलब देखो, मान लो आपका इंडिया मतलब अलग अलग कंट्री अगर एक एक नाम से जाने तो क्या होगा, फिर उसको जानने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक कंपाउंड को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए IUPAC सिस्टम लाया गया है। ठीक है, ताकि एक कंपाउंड का नाम क्या हो, हर जगह एक ही हो, जिससे क्या हो, पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और कभी कोई साइंटिस्ट या फिर कोई भी किसी दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को बताए तो उसको क्या हो, आसानी समझ में आ जाए कि हाँ इसका नाम ये है। ठीक है, नेमिंग में प्रॉब्लम ना हो इसलिए IUPAC सिस्टम आया था। तो यहाँ पे CH3 मतलब इसके बारे में आपको, इसका ये कंपाउंड दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए हमको IUPAC नेम के लिए इसके रूल्स होते हैं। तो रूल्स हर मतलब जितने भी नाम होते हैं ना सबके लिए एक रूल्स होते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे लॉन्ग कार्बन की चेन होती है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हमको कार्बन की जो सबसे बड़ी चेन होगी उसको सेलेक्ट करना है। तो मान लो हम इसको देखते हैं, 1, 2, 3 यहाँ से करें तो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। ठीक है, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, CH3 है, फिर आपका CH है, फिर क्या है, CH3 है। ठीक, अब इसके यहाँ नीचे आपका क्या दिया है, CH, यहाँ क्या दिया है, CH, फिर क्या दिया है, CH3। दो यहाँ से CH के पास दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको हम अच्छे से लिख ले। अब इसमें से देखिए सबसे बड़ी कार्बन की चेन कौन सी होगी, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक, तो देखो देखो मान लो 1, 2, 3 ये वाला का एक तो आपका ये कार्बन का चेन हो गया। ठीक, और एक कौन सा हो गया, एक आपका जो है, मान लो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको कितना मान लिए, 4 मान लिए। वन टू थ्री, एक मिनट, ठीक है, तो 4 मान लिए। तो हमारा क्या हो गया, देखो ये आपका ये कितने कार्बन का चेन है, ये आपका देखो ये कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है। तो इसमें से आपको ये भी देखना रहेगा कि किसके पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रुप हो, ये भी देखना है कि किसके पास ये जो ग्रुप लगे होते हैं किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कार्बन की चेन हमको सेलेक्ट करना रहेगा जिससे बाहर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे अगर हम इस वाले कार्बन को चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, देखो अगर हम इस वाले जो कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें दो ग्रुप मिल रहा है, एक तो आपको ये ग्रुप मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है। ठीक है, और ये इधर 3 ही है और इधर क्या है, 4 कार्बन की चेन है, 1 2
3-4। अब इसका आपको नेमिंग करना है। इसको क्या कहते हैं, इसको मेथिल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको? मेथिल ग्रुप। ये इसको क्या कहते हैं? मेथिल ग्रुप कहते हैं। ये मेथिल ग्रुप है, ठीक है। इधर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप इधर लिखा हुआ है। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? देखो ये मेथिल ग्रुप किस पे लगा हुआ है? दो पे लगा हुआ है। तो 2-methyl, 2-3-dimethyl। और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। तो क्या आप पढ़ेंगे? 2-3-dimethyl। फिर क्या 4 कार्बन की चेन को आप क्या कहते हैं? 4 कार्बन की चेन को हम ब्यूटेन कहते हैं। क्या एक कार्बन की चेन हो तो मेथ, दो की हो तो क्या एथ, और 3 की हो तो प्रोप, और 4 की हो तो ब्यूट। लेकिन ये क्या है? ये आपका एल्केन से है। एल्केन से है तो इसमें सफिक्स क्या लगता है? इसमें सफिक्स आपका एन लग जाएगा। तो कितना हो जाएगी ये? इसको क्या, इसका नेमिंग हम करेंगे 2-3-dimethyl, और इसके बाद क्या है? ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, ठीक है। और हिंदी में भी यही नाम होगा, इंग्लिश में भी यही नाम होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कल कमेंट करके कहा था कि मैम थोड़ा इंग्लिश में ही बता दिया करिए। तो यही नाम हिंदी में भी है और यही इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे ये है। तो ये वाला देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, 2-3-dimethyl ब्यूटेन। ये वाला आंसर क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, ठीक है। समझ में आना आप लोगों को? गुड मॉर्निंग राजन कुशवाहा जी, मोहित राज गुप्ता मैम। क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, क्वेश्चन तो हिंदी में है, ठीक है। क्वेश्चन तो इंग्लिश में हम लोग करवाएंगे, अभी का जो सेट बन गया है तो उसको तो हिंदी में ही पढ़ाना होगा। आगे चल के हम लोग बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन, ठीक। तो अभी इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन सा? सी वाला सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब तो हम लोगों ने कल का पढ़ा था। जो बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या करिए, यूनिटेक गुरु चैनल में जाइएगा, वहाँ पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो हम लोग पढ़ाते रहेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आके पढ़िएगा, ठीक। तो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, देखो इसमें क्या था, फिर से मैं बता देती हूँ। इसमें दिया गया था, कह रहा था, इसमें दिया गया था, कह रहा था किसी यौगिक का, यौगिक का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया था? 9 दिया था। और इसके क्लोरो मतलब इस उस यौगिक का हमको क्या बताना था? अणु भार बताना था, मतलब कि क्या बताना था? एटॉमिक वेट बताना था, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो क्लोराइड का इसमें फार्मूला क्या दिया है? MCl2 दिया है। क्या दिया है क्लोराइड का फार्मूला? MCl2 यहाँ पे आपको दिया गया था, ठीक है, MCl2 दिया गया था। तो इसका हमको क्या बताना था? अणु भार क्या होगा, हमको इसका एटॉमिक वेट बताना था। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्या करना है, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट या फिर क्या इसे तुल्यांकी भार, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इसी को हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। क्या होता है इसका फार्मूला तुल्यांकी भार का? इसका फिर क्या हो जाएगा? अणु भार, इसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट। अणु भार को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या? एन। एन आपका क्या होता है?
एसिडिटी या बेसिसिटी। क्या होता है एसिडिटी या बेसिसिटी, मतलब आपका जो कंपाउंड है, बना है कंपाउंड, कितना ज़्यादा क्या है वो एसिडिक, मतलब कितना ज़्यादा एसिड और बेस का मतलब समझते हैं आप, मतलब कितना एसिड का मतलब कितना ज़्यादा उसमें खट्टापन है, कितना ज़्यादा वो खट्टा है, और बेस का मतलब कितना ज़्यादा वो नमकीन है, ठीक है। तो इन सबको हम मीजरमेंट किस में करते हैं पता है, इन सब का मीजरमेंट हम पीएच स्केल में करते हैं। किसमें? पीएच स्केल में। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड और बेस का मीजरमेंट कौन से स्केल पे करते हैं। जैसे हम लेंथ का मीजरमेंट किसमें करते हैं, मतलब मीटर में करते हैं ना, तो ऐसे मीटर स्केल होता है उसी पे तो करते हैं, तो इसका हम किसमें करते हैं पीएच का स्केल होता है वहाँ से हम मीजरमेंट करते हैं। तो अब हमको बताना है, तो ये आपका फार्मूला होता है, यहाँ से यहाँ पे MCl3 है, ये टाइप मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, यहाँ पे क्या है MCl3, तो यहाँ पे जितने देखो जो भी ये यहाँ पे जो आपसे मतलब ये जो एटम है सेंट्रल एटम है इससे जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जितने भी लगे होते हैं, आपको कुछ ना समझ में आए तो n की वैल्यू वही लिख दिया करिए। तो यहाँ पे 3Cl क्या होगा, 3Cl जो है माइनस के फॉर्म में रहता है, तो मतलब यहाँ पे इसकी ये क्या होगा, इसकी मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, n की वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ से 3 हो जा रहा है। तो अब देखो दोनों वैल्यू मिल गई है, अब आप अणु भार निकाल सकते हैं। तो अणु भार का फॉर्मूला यहाँ से एक मिनट, तो तुल्यांकी भार यहाँ पे हमें 9 दिया गया है, कितना दिया गया है 9 दिया गया है, अणु भार हमको निकालना है, ठीक है, अणु भार क्या है हमको निकालना है, और n की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई कितनी है 3 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या ठीक नहीं रहा है पंकज कुमार जी, क्या नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा अपनी पेंसिल मैं चेंज कर लूं, ये पेंसिल तो मैंने चेंज कर लिया है, ब्लू कलर है, ये तो अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ से आपको कितना आ जा रहा है, यहाँ से अणु भार आपको कितना आ गया 27, कितना 9 3 कितना होता है 9 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 27 हो जाता है ना। तो अणु भार आपका कितना यहाँ से निकल के आ गया, अणु भार आपका यहाँ से आ गया 27, कितना आ गया 27। तो देखो ऑप्शन में कहीं 27 है, हाँ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब सही आ रहा है पंकज, अब सही आ रहा है, मैंने पेंसिल तो चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ से आप लोग पहले क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे दिया गया है कि एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है, सहसंयोजी बंध मतलब समझ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड। तो कह रहा है एसिटिलीन में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, पहले तो इसके लिए आपको क्या होगा एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आराम से बता देंगे कितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए पहले एसिटिलीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ से हमको क्या करना है एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो एसिटिलीन को कैसे लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं CH, उसके बाद क्या है 3 बॉन्ड है, फिर आपका क्या हो गया CH। तो सहसंयोजी बंधों की संख्या आपसे पूछा है, ठीक है, सहसंयोजी बंधों की आपसे संख्या पूछा है। तो ये जितने भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे एक इलेक्ट्रॉन क्या दे कार्बन दे, इनके आपस में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉन के आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन देने से शेयर करने से जो भी बॉन्ड बनता है उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है, उसी को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो आइए गिनते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है
कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया, एक इलेक्ट्रॉन कौन दिया, कार्बन दिया, तो इससे इनका एक एक इलेक्ट्रॉन देने से ये बंध बना है। तो ये कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध है। ऐसे आपस में कार्बन कार्बन में भी देख लो, यहाँ पे एक मतलब ये जो कार्बन है एक एक इलेक्ट्रॉन ये तीनों कार्बन दिया है, और इधर वाला भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट डॉट मतलब बिंदु की तरह मैं बना रही हूँ वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, समझ रहा, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दिया है। तो ये जो आपके बॉन्ड बने हैं ना, जितने भी बॉन्ड बने हैं सबके सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये सब आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से देने से, जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं, एग्ज़ाम देने गए हैं तो मान लीजिए एग्ज़ाम में देखो ब्लू और ब्लैक दो पेन से हम लोग लिखते हैं, है ना, दो पेन से लिखते हैं ना, एक ब्लू एक ब्लैक, मान लीजिए आपके पास ब्लैक है और आपके फ्रेंड के पास क्या है, ब्लू है, तो क्या करिए आप अपना जो है ब्लैक पेन उसको दे दीजिए, मतलब आपस में शेयर करके, कभी वो आपको अपना ब्लू पेन दे दे, कभी आप उसको क्या करिए अपना ब्लैक पेन दे दीजिए, और इसे क्या है कि दोनों लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पूरी तरह से देना है, पूरी तरह से नहीं देना है, देना है फिर लेते रहना, मतलब एक दूसरे से क्या करना है, शेयर करते रहना है, पूरी तरह से नहीं देना है। तो वही यहाँ पे होता है, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को देते हैं, क्यों, ऑक्टेट को, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए, ये पूरा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बॉन्ड को बनाने के लिए, समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। याद भूल जाना तो याद करना कि मैम बताई थी कि जैसे हम एग्जाम में पेपर देने जाते हैं और अपने फ्रेंड को क्या करते हैं, पेन का शेयर करते हैं, दो ही पेन है ब्लैक और ब्लू, हमारे पास एक है, एक हमारे पास ब्लैक है, एक हमारे फ्रेंड के पास ब्लू है, तो हम क्या करते हैं पेन का शेयर करते हैं, चलो मिलके, तुम्हारे पास भी एक पेन है, एक पेन हमारे पास भी है, तो मिलके हम लोग अपनी अपनी कॉपी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो अब काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हैं, ठीक है। तो देखो मैं पेन चेंज की हूँ, अभी ब्लू कर लूँगी। तो देखो एक बॉन्ड तो आपका ये हो गया वन, ये वन हो गया, ये टू, इसमें देखो कितने हैं, इसमें पूरे के पूरे इसमें कितने हैं, थ्री बॉन्ड है ना, तीन बॉन्ड है, एक ये हो गया, तीन इसमें है, ये कौन सा हो गया, देखो वन टू थ्री फोर, अब क्या हो गया, एक ये तीन ये चार हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, तो वन प्लस थ्री प्लस वन कितना हो गया, पांच हो गया ना, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए, पांच हो गए ना। देखो एक ये है तुम्हारा, एक बॉन्ड तुम्हारा ये है, तीन बॉन्ड इसमें है, एक ये है, तो वन प्लस थ्री प्लस वन कितना हो गया, फाइव बॉन्ड हो गया। अब देखो ऑप्शन में कहीं पांच है, हाँ है यहाँ पे, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया, यही डी वाला आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया कितना, बहुत आसान है, बस क्या करना है एक एक कॉन्सेप्ट को देखो, क्वेश्चन करना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देखो यहाँ क्या होता है, हम एक एक क्वेश्चन से क्या करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्या क्लियर करते हैं, और इसी पे जो आप क्वेश्चन करते हैं ना, इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम में भी इन्हीं पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, केवल आप थ्योरी रट लिए और एग्ज़ाम में गए तो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है, थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चन करिए, ठीक है। और मुझे तो लगता है इस समय आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जो आप की पॉइंट बनाए हो, शॉर्ट नोट्स बनाए हो उससे पढ़िए, नहीं बनाए हो तो कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। एक एक क्वेश्चन एक एक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, लेकिन हाँ एक एक क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, समझते जाना है, ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा हम नहीं समझेंगे, ऐसे नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा हम कोशिश करेंगे समझने का, हम पेन कॉपी पर क्या करेंगे, पेन से कॉपी पर कई बार लिखेंगे, जब आप दो तीन बार लिख लोगे ना तो वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर समझ में आने लगेगा। तो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका रिएक्शन है, ये आपके यहाँ कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में
एक्स का मान बताइए। यहाँ पे आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रही है कि कितना एक्स का मान होगा, तो क्या होगा। देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना। एक्स की वैल्यू यहीं पर है तो यही हमको बताना है। तो रिएक्शन को क्या करना है, अभिक्रिया को हमको बराबर करना है, मतलब जितना इधर होगा उतना ही, जितना इधर एटम होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम इधर भी होगा। ठीक है, तो ऐसे देख लो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने सोडियम है, दो सोडियम है ना। यहाँ पे कितने हैं, दो सोडियम है, मतलब सोडियम ये इसको Na को क्या कहते हैं, Na को हम सोडियम कहते हैं। तो हमको देखना है इधर का एटम और इधर का एटम बराबर है क्या, और जितने भी एटम जिधर कम ज़्यादा होंगे उधर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। जिधर कम होगा उधर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सोडियम, यहाँ पर दो सोडियम तो बैलेंस है। फिर आपका क्या है, कार्बन है। देखो एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो थ्री है, ओ जो है आपका कितना है, तीन ऑक्सीजन है। यहाँ देखो कितनी ऑक्सीजन है, एक दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस ही है। अब हाइड्रोजन को चेक करना है। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे कितना है, एक ही हाइड्रोजन है। फिर Cl देखो यहाँ पे कितना है, एक है जो है, यहाँ पे Cl दो है, ये आगे का संख्या देखा जाता है। यहाँ पर भी दो Cl है और यहाँ पे एक ही है, मतलब कि ये x की जगह क्या होना चाहिए, अगर हम x की जगह दो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। देखो क्योंकि इधर दो दो है, देखो इधर दो Cl है, दो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम, और दो हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वन नहीं कर, मतलब HCl है वन है लेकिन हमको x की वैल्यू चाहिए। तो जितने मैंने बताया ना, जितना इधर रहता है उधर ही, जितना प्रोडक्ट की तरफ रहता है उतना ही रिएक्टेंट की तरफ भी होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका नंबर कितना आ गया, दो आ गया। तो आंसर में कहाँ है, टू नंबर, सी ऑप्शन। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया, दूसरा वाला हो गया। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आप लोगों को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक के क्वेश्चन में, कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों का। तो मैं आगे वाले क्वेश्चन पे अब चलती हूँ, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखती हूँ। यहाँ से आपको दिया गया, कह रहा है एक नियत ताप पर, मतलब टेम्परेचर, नियत ताप मतलब टेम्परेचर क्या है, नियत ताप मतलब टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो कह रहा है एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार, मतलब जो उसका वेट है, वेट का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो दिए गए भार, मतलब जो वेट है, मतलब यहाँ पे वेट का आयतन मतलब वॉल्यूम को कह रहा है, वॉल्यूम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, प्रेशर के, दाब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो आपका कह रहा वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है। तो कह रहा है यह कथन कहलाता है, तो ये कह रहा है यह कथन कहलाता है। तो इसमें आपका जब आप गैस जो है गैसियस स्टेट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ढेर सारे मतलब वहाँ पे नियम दिए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या है, चार्ल्स का नियम है, बायल का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है, ये आपको वहाँ पे लॉज दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं। तो कह रहा है ये कथन किस नियम में आता है, ये जो आपका कथन है वो किस नियम में आता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, किसी को आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि किस में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग भी बताते रहा करिए, ट्राई करते रहा करिए कि आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बायस का नियम। अगर देखो नियत ताप, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, टी कांस्टेंट है, और वॉल्यूम तो क्या होगा, प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका नियम किस में आता है, बॉयल्स के नियम में आता है, किसके, बॉयल्स के नियम में आता है। समझ में आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल पंकज जी, ये बी ही है, इसका राइट आंसर बी है, ठीक है।
अब अगला आपका क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच्ड है, कौन सा क्या है गलत है, मिसमैच्ड है मतलब सही नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है धावन, क्या है दिया गया है आपको, धावन सोडा। तो धावन सोडा क्या दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर आपको सिरका दिया है CH3, क्या है ये, क्या है आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक, इसको क्या कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, हिंदी में भी वही कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहेंगे। ठीक है, हिंदी में भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहते हैं। तो यहाँ से धावन सोडा सिरका कैस्टिक एसिड हो गया है। क्विक लाइम का आपका कहा है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम को क्या कहा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको CaO को क्या पढ़ते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड, और मिल्फ कॉफ मैग्नीशिया को कहा है MgOH का होल ट्वाइस। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा गलत मिलान है, मतलब मिसमैच मतलब सही नहीं है, आप आंसर बताइए इसका जल्दी से, मैं कमेंट देख रही हूँ आप लोग बताइए, कोई लोग आंसर दीजिए इसका। किसी को आ रहा हो तो बताइए। तो यहां से आपका सही कौन सा गलत है, ये धावन सोडा वाला। धावन सोडा क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं धावन सोडा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गलत मतलब सही मैच नहीं है, सही मिलान नहीं है। ठीक है, सही मैच नहीं है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या, किस कमेंट करके पूछते रहिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, सभी लोग बने रहिए हमारे साथ लगातार, और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, नहीं कुछ तो आ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कुछ तो पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर हम अभी ये सेशन जब हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम आपको एक एक पॉइंट बेसिक से पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब पढ़ाया जाएगा, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज हम लोग पढ़ाएंगे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्या है, बाकी सब तो सही मिलाया गया है, लेकिन ये धावन सोडा क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया गया है, तो यही क्या है गलत मिलान है। पूछा है कौन सा गलत मिलान है, तो गलत मिलान वाला आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ से पूछा है आपसे, यहाँ से पूछा है आपसे, कह रहा है निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है। तो संक्रमण धातु आपको पता है कौन सा होता है, संक्रमण धातु पीरियोडिक टेबल होगा आपके पास ना, नहीं होगा तो मोबाइल में सर्च करिए या फिर आपके बुक में तो जरूर होगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त सारणी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट कौन, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब है तो उसी को, ठीक है, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं लाते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो फुलफिल होता है, क्या होता है इनका आउटर मोस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो भरा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11th क्लास में है। तो ठीक है, अभी तो नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि थोड़ा डिटेल चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो बस इतना समझ जाइए कि पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के, अगर जिंक कैडमियम मरकरी ऑप्शन में दिया रहे तो समझ लीजिए जिंक कैडमियम, याद ये देखिए जिंक कैडमियम और क्या मरकरी, ये सब क्या है तो ये डी ब्लॉक में ही, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एकदम फुलफिल्ड होता है, भरा होता है, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं
ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ से आपको बताना है कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। तो यहाँ मैग्नीज, यहाँ पे दिया गया है मैग्नीज, ठीक है मैग्नीज। यहाँ पे आपका लेड दिया गया है, इसको पीबीस लिखते हैं, लेड दिया गया। यहाँ पे चांदी है, चांदी को कैसे लिखते हैं, एजिस लिखते हैं, टंगस्टन को डब्लू से लिखते हैं, ठीक है टंगस्टन को कैपिटल डब्लू से लिखते हैं। चांदी है, ये मैग्नीज है और ये लेड है। तो देखो मैग्नीज 25 नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, और ये भी किस में है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है। फिर आपका जो चांदी आता है, सिल्वर आता है, ये भी किस में है, ये भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही है। फिर आपका टंगस्टन जो आता है वो भी किस में है, टंगस्टन भी आपके डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स में है। समझ में आया, टंगस्टन भी डी ब्लॉक के। नहीं पंकज जी, इसमें बी नहीं होगा, इसमें इसमें आपका कौन सा होगा, लेड होगा। लेड आपका कौन सा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन की, जब आप कार्बन फैमिली में जाओगे ना, तो कार्बन फैमिली में ऊपर से, मतलब ग्रुप में टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो आपको वहाँ पे लेड मिल जाएगा। ये पी भी आपको वहीं पर कार्बन की फैमिली में मिलेगा। और कार्बन किस में आता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो ये कौन सा है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। समझ में आया कि लेड याद रखना कौन सा है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, लेड। ये जो लेड है वो क्या है, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातु नहीं है। समझ में आया, कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो आप लोग तो कमेंट करके पूछिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आपसे पूछ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से करा, निम्न में से किस युग्म में, मतलब कौन सा ऐसा जोड़ा है, युग्म है, पेयर है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पे देखो Na प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस है, सोडियम प्लस, और देखो सोडियम किस नंबर, पहले देखो सोडियम किस नंबर पे आता है, सोडियम आपका किस में है, 11 पे है, ठीक है। और ये प्लस, सोडियम प्लस कर दिया है, ठीक है सोडियम प्लस हो गया, तो ये किस नंबर पे आ गया, अब ये 10वें नंबर पे आ गया, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आपका इसके साथ कौन है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, कितना है, प्लस 3 है। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है, ठीक है। और इसमें से 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा, 10 बचा, 10 बचा, मतलब समझना है, मतलब इसमें सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला क्या है, कह रहा है भिन्न है, मतलब अलग है, डिफरेंट है, तो इसमें तो क्या है, सेम है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ संयोजी इलेक्ट्रॉन इस दोनों में कितने हैं, 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। फिर आपको देखना है O2-, ठीक है, फिर आपको देखना है ऑक्सीजन 2- पर, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का और एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है -2 का मतलब होता है, देखो अगर किसी एटम के ऊपर -2, जितना माइनस में नंबर लिखा रहता है उसका मतलब आप समझ जाइए, माइनस का मतलब ये होता है कि उतना इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, लिया है, माइनस मतलब उतना इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, और प्लस का मतलब होता है कि उतना इलेक्ट्रॉन उसने, जो भी है आपका एटम, इतना इलेक्ट्रॉन उस एटम ने क्या किया है, दिया है। तो -2 है, मतलब 8 तो पहले से ही था और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितना हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो O2- में नंबर ऑफ कितना एटॉमिक नंबर होता है, फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, और -1 तो मतलब इसमें भी कितने हो गए, देखो 9 पहले से ही था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इन दोनों में भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक, इन दोनों में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला देखते हैं, देखो फिर हमारा क्या है, फास्फोरस -3, ठीक है, और आपका क्या है, आर्गन, आर्गन
आर्गन है और फास्फोरस माइनस थ्री है। तो यहाँ देखो फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है, आर्गन का कितना होता है 18 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। देखो आर्गन जो है ठीक है, तो आर्गन पे देखो देखिए आर्गन पे यहाँ पे देखो आर्गन पे कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन में देखो ना तो इसके ऊपर प्लस है ना माइनस है, जब प्लस और माइनस कोई भी नहीं है तो मतलब ये क्या है, ये आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ना प्लस है ना माइनस है मतलब न्यूट्रल कंपाउंड है। तो देखो और यहाँ फास्फोरस 15 है माइनस 3 है, 15 तो पहले से ही है इसका एटॉमिक नंबर, माइनस 3 मतलब क्या है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया तो कितना हो गया ये भी 18 हो गया। तो मतलब क्या है, मतलब आपका ये है कि फास्फोरस और आर्गन इसमें भी दोनों में क्या है 18 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए इस पेयर में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा, बाकी सब में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अभी एक ही पेयर बचा, तो आपका सही आंसर यही वाला हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। आपको अगर जानना है तो इसको भी बना लेते हैं, मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम प्लस 2 है, मैग्नीशियम प्लस 2 है और मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, ये 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है, प्लस 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ से निकल जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो यहाँ पे अब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया, मैग्नीज आ गया, मैग्नीज को 25 कितना एटॉमिक नंबर 25 होता है, प्लस 2 है, प्लस 2 है मतलब 25 में से अगर प्लस 2 निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हैं तो कितना होगा, कितना होगा यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, निकाल दिया ना 23 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए क्या ये सही है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है अलग अलग है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, किसमें कह रहा है भिन्न है डिफरेंट पूछा था, तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या का मान शून्य, यहाँ पे शून्य मतलब इस तरह से है शून्य, ठीक है शून्य किसके लिए है मतलब जीरो किसके लिए है, तो नॉर्मल हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन और टेट्रा एथिल लेड, यहाँ पे टेट्रा एथिल लेड होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा है किस किसके लिए क्या होगा शून्य होगा, 96 नंबर क्वेश्चन इस पे शून्य आपसे पूछा है, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो नॉर्मल इसका सही आंसर होगा, देखो नॉर्मल ऑक्टेन के लिए क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल हेप्टेन के लिए नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन, यहाँ पे ऑक्टेन नंबर के लिए ही क्या बनाया जाता है आपका ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर को ही बेस मान के क्या बनाया जाता है ऑक्टेन संख्या बनाया जाता है, और ऑक्टेन संख्या जिसको बेस बनाते हैं उसको लिए या तो 1 होता है या तो 0 होता है, तो यहाँ पे शून्य शून्य मान के चले हैं कि जो आपका नॉर्मल ऑक्टेन होता है, नॉर्मल ऑक्टेन उसके लिए क्या होगा, नॉर्मल ऑक्टेन के लिए क्या होगा एक मिनट, नॉर्मल यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखो नॉर्मल ऑक्टेन के लिए नहीं, नॉर्मल हेप्टेन क्योंकि देखो ऑक्टेन नंबर के लिए तो जीरो नहीं होगा जो है, क्योंकि इसको बेस माना गया है, बेस के लिए जीरो नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल हेप्टेन मतलब ऑक्टेन के जितने भी नीचे होंगे, आपका हेप्टेन हो गया, 7 कार्बन का हो गया, 7 कार्बन का हो गया, मतलब ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब क्या होता है 8 नंबर का कार्बन, ठीक है 8 नंबर के कार्बन तक तो ठीक है, उसके नीचे जितने भी होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे कौन सा है नॉर्मल जो नॉर्मल हेप्टेन है, ये 7 कार्बन की आपकी कितनी होती है 7 कार्बन की चेन होती है, तो ये इसके लिए क्या होगा जो है जीरो होगा, बाकी सबके लिए आइसो ऑक्टेन टेट्रा एथिल लेड इन सबके लिए जीरो नहीं होता है। अगला देखते हैं,
कह रहा है जल के स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। जल की स्थायी कठोरता मतलब समझ रहे हैं, वाटर क्या होता है, जो कठोर वाटर होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाटर कठोर है और कौन सा कठोर नहीं है। तो जो कठोर वाटर होता है ना, अगर आप साबुन उस वाले पानी में आप साबुन से ऐसे मतलब हाथ अपना क्या करेंगे, साबुन लगा के हाथ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, झाग नहीं देता है। क्या होता है, साबुनीकरण जब होता है वहाँ झाग नहीं देता है। और जो आपका कौन सा जो है नॉर्मल वाटर देगा, कठोर पानी जो होता है, कठोर जल होता है, वो नहीं देता है झाग। तो इसी से हम समझ जाते हैं क्या होता है कि वो आपका पानी क्या है, कठोर है। क्या है, पानी आपका कठोर है। तो बताइए कौन सा आंसर इसके लिए सही होगा। और ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखो पहला ऑप्शन है कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कह रहा है सोडियम एवं पोटेशियम क्लोराइड के सल्फेट एवं क्या है, सल्फेट के कारण। और कह रहा है सोडियम के क्लोराइड के कारण, सोडियम के सल्फेट के कारण, इतना आपको ऑप्शन दिया गया है। तो देखो यहाँ पे सोडियम के वजह से तो होता ही नहीं है, सोडियम तीनों ऑप्शन में आपके सोडियम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कितना, पहला जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया है, कैल्शियम, यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम, यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, मतलब जो आपका कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम, इनके किसके क्लोराइड, इनके क्लोराइड, क्लोराइड मतलब कि इनसे जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो क्लोराइड और किसके सल्फेट के कारण, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और क्या MgSO4 और क्या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और MgCl2, इनके कारण, इस तरह से इनके कारण क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सल्फेट और क्लोराइड के कारण क्या होता है, वाटर क्या होता है आपका, कठोर होता है। क्या होता है, पानी जो होता है, जल की कठोरता इन्हीं के कारण होती है। याद रखना जल की कठोरता किसके कारण होती है, स्थायी कठोरता। देखो कठोरता दो तरह का होता है, एक आपके क्या होता है स्थायी और एक अस्थायी होता है। तो अस्थायी के लिए नहीं आपसे स्थायी पूछा है, तो स्थायी किसकी वजह से होता है, स्थायी आपका मैग्नीशियम और क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांस है कि आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, याद कर लेना इस टॉपिक को। फिर हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है ब्रोमीन, यहाँ आपसे कह रहा है कि ब्रोमीन की ऑक्सीजन संख्या +7 किसमें है। तो ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है +7, ये +7 कह रहा है किसमें है। तो यहाँ पे देखिए सबका हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको IBR दिया है, KBR दिया है, और क्या दिया है, KBr2O3 और क्या है BrO4, ठीक है। तो इसमें आपसे कितना पूछा है, BrO4, यहाँ पे BrO4 माइनस होगा, ठीक। तो पूछा है कि किसके लिए जो है +7 होगा, तो अगर आप आता होगा तो आप आंसर करिए किसके लिए होगा। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा देखो, इसका राइट आंसर ये देखो, IBR क्या होगा, IBR4 होगा। कैसे होगा, सबका हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे IBR, यहाँ पे एक ब्रोमीन है एक आयोडीन है, तो एक ब्रोमीन जब जुड़ा हुआ है तो ये आयोडीन, देखो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले से, तो यहाँ पे ब्रोमीन पर -1 आयोडीन पर +1 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ब्रोमीन और पोटेशियम में, ब्रोमीन पोटेशियम के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर -1 और इस पर क्या होगा +1, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। अब आपका बचा कौन सा, डी ऑप्शन, चलो पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो
तो देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते कैसे हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना समझ लीजिए, जिसका पूछे, जैसे ब्रोमीन का पूछे, जिसका पूछता है मैथ में, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जो उसका पूछा रहता है उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स लिखते हैं, तो ब्रोमीन का पूछा है तो हमको एक्स लिखना है, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जानते हो, ऑक्सीजन का दिया नहीं रहता है, ऑक्सीजन का हमें याद रखना पड़ता है क्या, माइनस टू, ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं, माइनस टू, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, बस परऑक्साइड, अगर परऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड के केस में हम कितना लेते हैं, माइनस वन लेते हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में ऑक्सीजन का हम माइनस टू लेते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या करना है, जो है कितना ऑक्सीजन केटम है, चार ऑक्सीजन केटम है और एक का कितना होता है, माइनस टू होता है, तो हमको क्या करना है, और प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, ऊपर क्या है, माइनस वन, तो स्क्वायर टू करके हमको क्या लिख देना है, माइनस वन लिख देना है। अब हमको यहाँ से निकाल लेना है एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आठ और यहाँ पे क्या हो गया आपका, माइनस वन, तो इस एट को उधर हम करेंगे, क्या कर, हमको एक्स की केवल वैल्यू चाहिए, तो एट माइनस क्या वन किस कितना हो जाता है, प्लस सेवन, एट माइनस वन कितना हो जाता है, प्लस सेवन, तो आपका सही आंसर डी वाला हो जाएगा, समझ में आना, क्या करिए हम, एक्स प्लस फोर, फोर और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का कितना होता है, माइनस टू होता है, और ऑक्सीजन के चार एटम दिए गए हैं, और एक इस पे कितना, जितना चार्ज होता है, जितना भी उस कंपाउंड पर चार्ज होता है उसको इक्वल टू के बाद लिखते हैं, ठीक है, प्लस वन होता तो प्लस वन लिखते हैं, जितना भी चार्ज होता है इक्वल टू करके उसके बाद हम लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया x माइनस एट इक्वल टू माइनस वन, हमको फिर फाइनल x की वैल्यू आठ में से एक घटा देना है, कितना आ जाएगा, प्लस सेवन हो जाएगा, और आपसे यही पूछा है कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में प्लस सेवन है, तो आपका सही आंसर ये डी वाला मिल गया है, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टेफ्लान, ये टेफ्लान क्या होता है, टेफ्लान आपका क्या है, एक पॉलीमर है, क्या है, एक बहुलक है, टेफ्लान आपका क्या है, टेफ्लान आपका एक बहुलक है, पॉलीमर है, तो कह रहा है टेफ्लान एक बहुलक है, पूछा है किसका टेफ्लान बहुलक है, तो ये आपका क्या दिया है, सी एच टू डबल बॉन्ड मतलब एथिलीन दिया है, फिर आपका क्या दिया है, टेट्रा, ये टेट्रा क्या है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन है, फिर आपका अगला दिया है विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे दिया गया है विनाइल क्लोराइड, एक ऑप्शन और है उपरोक्त में से सभी, तो सभी तो नहीं होगा, यहाँ से सभी तो नहीं होगा, कोई एक ही होगा, सभी तो नहीं होगा, तो किसका होता है टेफ्लॉन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो है टेट्रा, क्या है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, जो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन होता है ना टेफ्लॉन, उसी का क्या होता है, बहुलक होता है, याद रखना अच्छे से कि टेट्रा फ्लोरो मतलब क्या, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको क्या सी टू और क्या सी टू एफ फोर, सी टू क्या होता है एफ फोर, ये क्या होता है आपका टेफ्लॉन, क्या होता है टेट्रा फ्लोरो मतलब चार फ्लोरो है और क्या है दो कार्बन का है, तो इसको क्या बोलते हैं, दो कार्बन का है तो इसको एथिलीन, दो कार्बन का है और क्या है एल्कीन है, एल्कीन है तो उसको क्या पढ़ेंगे एथिलीन, चार फ्लोरो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, तो ये आपका क्या होता है टेफ्लॉन होता है। और ये भी पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि जो नॉन स्टिक के बर्तन बनते हैं ना, नॉन स्टिक के जो बर्तन बनते हैं, नॉन स्टिक होता नहीं, जो ब्लैक रंग की कढ़ाई होती है, ब्लैक रंग का होता नहीं, तवा होता है घर में जिसपे क्या बनता बनाती है मम्मी लोग, डोसा बनाती है ना, तो डोसा तो आप लोगों को पसंद ही होगा सभी लोगों को, तो किस पे बनता है, तो जो नॉन स्टिक का बर्तन आता है, नॉन स्टिक के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन स्पेशली क्या बर्तन किचन में, जो हम ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आप लोग को आसानी से पता चल सके, तो कहता है कि एग्जाम में पूछता है आपसे नॉन स्टिक कुकवेयर किससे बनता है, जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं किससे बनते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा टेफ्लॉन होगा, क्या होगा टेफ्लॉन होगा, आंसर में आपको टेफ्लॉन दिया रहेगा, और टेफ्लॉन को क्या कहते हैं टेट्रा फ्लोरो एथिलीन कहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से डेली डेली पढ़ाई करिए, और क्या करिए गवर्नमेंट कॉलेज मतलब एकदम जुट जाइए पढ़ाई में, और गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग पाइए, मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है, थैंक यू।